स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट देखिए क्या है, लेट एफ एक्स वाई बी ए रियल वैलिड फंक्शन विद डोमेन डी एफ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इफ एफ एक्स एक्स वाई एग्जिस्ट एंड इज बाउंडेड इन ए नेबरहुड ऑफ ए बी बिलोंग्स टू डी एफ एंड एफ वाई ए बी एग्जिस्ट देन एफ इज कंटिन्यूज एट ए बी। यहाँ पे क्या दे रहा है आपको कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, वो क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है विद डोमेन क्या है उसकी डी एफ है, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है एफ एक्स, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड आ रहा है कहाँ पे, नेबरहुड में आ रहा है, किसकी, ए बी की नेबरहुड में, और आपका जो ए बी पॉइंट है वो कहाँ से आ रहा है, डोमेन में से आ रहा है, क्लियर। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि आपका जो फंक्शन है एफ उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ए बी के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपने प्रूव करना है कि आपका जो फंक्शन एफ है वो क्या है, कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट ए बी के ऊपर, क्लियर। यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करी गई है कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स वाई जो है फंक्शन उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड आ रहा है नेबरहुड ऑफ ए बी के ऊपर, ठीक है, और एफ वाई ए बी भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और आपने शो करना है कि आपका जो फंक्शन एफ है वो क्या होगा, कंटिन्यूज होगा एट ए बी पॉइंट के ऊपर, क्लियर। अब एक स्टेटमेंट तो ये होगी, अब दूसरी भी है इसमें, अब इसमें इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको एफ एक्स एक्स वाई गिवन था कि मतलब f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे, ए बी की नेबरहुड पे। तो उसकी बजाय आप यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें आप क्या कर सकते हो, एफ वाई एक्स वाई मतलब f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड हो रहा है इन नेबरहुड ऑफ ए बी, एंड एफ एक्स ए बी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे एफ वाई ए बी एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे एफ एक्स ए बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, देन एफ इज कंटिन्यूज एट ए बी पॉइंट, क्लियर। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, हम सिर्फ यही फर्स्ट वाली थ्योरम का प्रूफ करेंगे, सेकंड बिल्कुल सेम आपका चलेगा, क्लियर। तो इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, इस रिमार्क का भी यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, लंगराज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर वन वेरिएबल कैन बी रिटन एज, ठीक है। कैसे था आपके पास कि आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई आपका फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूज़ है, कंटिन्यूज ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, वन वेरिएबल के ऊपर बात कर रहे हैं, दूसरे को हम क्या कर देते थे, फिक्स कर देते थे, ठीक है, एक्स आपका वेरी करेगा और वाई की वैल्यू हमने बी फिक्स कर दी है, क्लियर। एफ आपका कंटिन्यूज आ रहा है क्लोज इंटरवल के ऊपर, आपका एक्स क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू ए प्लस एच, और एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल के ऊपर, एक्स आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे एक्स लाई कर रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन ए प्लस एच। तो वो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक थीटा एग्जिस्ट करेगा, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1 सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच इन टू एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी, ठीक है। इस थ्योरम का भी हम यहाँ पे, इस रिमार्क का हम क्या करेंगे, इस थ्योरम में यूज़ करेंगे, क्लियर। तो देखिए आगे क्या कर रहे हैं हम, जो जो हमें यहाँ पे गिवन है सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, हमारे पास जो पॉइंट है ए बी उसका हमने एक पॉइंट लिया, उसकी नेबरहुड के अंदर एक पॉइंट लिया हमने ए प्लस एच बी प्लस के, लेट ए प्लस एच बी प्लस के बी एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ए बी, क्लियर। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या था कि आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और बाउंडेड भी आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, सबसे पहले आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव है एग्जिस्ट कर रहा है इन नेबरहुड ऑफ ए बी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो आपका ए प्लस एच बी प्लस के है वो क्या होगा, नेबरहुड का इंटीरियर पॉइंट होगा, क्लियर। तो वहाँ पे आपके पास क्या कर गया, ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे हमने क्या लगा दी, मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी, क्लियर। तो मीन वैल्यू थ्योरम लगाई हमने, तो यहाँ पे एंड पॉइंट हमने क्या ले लिया, ए प्लस एच बी प्लस के, और
फर्स्ट पॉइंट हम क्या लेंगे, ए बी प्लस के, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, ए बी प्लस के और ए प्लस एच बी प्लस के। यहाँ पे y की वैल्यू हमने फिक्स कर दी है b प्लस के, और आपका x क्या कर रहा है, a से a प्लस एच के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लंगराज मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं ऑन वन वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के माइनस f ऑफ a बी प्लस के इज इक्वल टू h इंटू एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। यहाँ पे हमने जैसे अभी रिमार्क हमने डिस्कस करा था, वहाँ पे y की वैल्यू b फिक्स करी हुई थी, यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या करें, b प्लस के फिक्स कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल सेम है, क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था कि f y a b वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट a b के ऊपर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने बाई डेफिनेशन यहाँ पर लगा दी, क्या आ जाएगा, लिमिट k अप्रोचेस टू 0, लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी ओवर के इज इक्वल टू एफ वाई ए बी, क्लियर। तो मतलब क्या है कि आपका जब के 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये लिमिट, ये वाले जो फंक्शन है वो किसके इक्वल आ रहा है, एफ वाई ए बी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपका के जब आपका 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या कर रही है, इसके इक्वल आ रही है, ठीक है। अब इसको मैंने इस तरीके से लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी ओवर के इज इक्वल टू एफ वाई ए बी प्लस फाई के, ठीक है। लिमिट हटा दी मैंने, यहाँ पे लिमिट हटाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फाई के लिखा, और फाई के फंक्शन क्या है, फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ के है, ठीक है। वेयर फाई के इज़ अ फंक्शन ऑफ के सच दैट लिमिट के अप्रोचेस टू 0 फाई के इज इक्वल टू 0, क्लियर। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, जो हमने फाई के लगाया है वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी जब के आपका 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रही थी कि जब आपका के 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसकी ये वाली फंक्शन जो है, ये वाला आपके पास वैल्यू आ रही है, वो किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल आ रही है, ठीक है। जब यहाँ पे अब के आपका 0 को अप्रोच करेगा तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव की। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, अब k को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, k को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू k इंटू एफ वाई ए बी प्लस फाई के, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम क्या लेके चल रहे हैं, हम ये लेके चल रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, अब ये हम लेके चल रहे हैं। अब इसमें हमने क्या करा, एफ ऑफ ए बी प्लस के ये हमने ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास था आ रहा था एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ, इसके अंदर मैंने क्या करा, एफ ऑफ ए बी प्लस के ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, क्लियर। तो अब इसकी वैल्यू देखिए क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के, इसकी वैल्यू क्या रही, इक्वेशन नंबर 1 से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इंटू एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, ठीक है। और साथ में एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 से, वो क्या आ रही, के इंटू एफ वाई ए बी प्लस फाई के, ठीक है। और साथ में कंडीशंस वैसे ही चलेंगी, थीटा आपका लाई करेगा 0 to 1 के बीच में, ठीक है, और फाई के क्या है, फंक्शन ऑफ के है, और लिमिट के अप्रोचेस टू 0 फाई के इज इक्वल टू 0, जो यहाँ पे कंडीशंस हैं वो भी हमने साथ में लिख दी हैं, क्लियर। जो इक्वेशन नंबर 1 में भी इक्वेशन आ रही थी, कंडीशन आ रही थी, और इक्वेशन नंबर 2 में भी कंडीशन आ रही है, और यहाँ पे हमने दोनों लिख दिए, क्लियर। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बोथ साइड लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट एच के अप्रोचेस टू 0 0, यहाँ पे जो हमने लिया था ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, इसके इक्वल आ रही है, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, वो किसके इक्वल आ रहा है, एच इंटू एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के इंटू
एफ ऑफ वाई ए बी प्लस फाइव के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने बोथ साइड लिमिट ली, लिमिट एच के अप्रोचेस टू जीरो जीरो, ठीक है। जब हमने लिमिट ली है तो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, देखिए लिमिट एच के अप्रोचेस टू जीरो जीरो एच एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के प्लस लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो के इंटू एफ ऑफ वाई ए बी सॉरी एफ वाई ए बी प्लस फाइव के, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिमिट को अलग अलग करा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आना क्या चाहिए था, लिमिट एच के अप्रोचेस टू जीरो जीरो आना चाहिए था, क्लियर। बट यहाँ पे आपके पास एच है ही नहीं, ठीक है, एच एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस फंक्शन में एच नहीं आ रहा, तो एच की लिमिट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एच की आप लिमिट लगाओगे भी तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एच आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल लिमिट लगा दी के अप्रोचेस टू जीरो। अब आपका के जब जीरो को अप्रोच करेगा, क्लियर, तो फाइव के तो वैसे ही जीरो को अप्रोच कर रहा था, यहाँ पे हमने कंडीशन ली थी लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो फाइव के इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, और बाहर भी आपका के पड़ा है, ठीक है। जब के आपका जीरो को अप्रोच करेगा तो ये वाली वैल्यू किसको चली जाएगी, जीरो को अप्रोच कर जाएगी, मतलब जीरो वैल्यू आ जाएगी, डन। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे लिमिट एच के अप्रोचेस टू जीरो जीरो एच इंटू एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, ठीक है। यहाँ पे एफ का पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा था। अब स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन था, जो फंक्शन था उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या कर रहा था, ए बी की नेबरहुड में एग्जिस्ट भी कर रहा था और बाउंडेड भी आ रहा था, ठीक है। तो मतलब क्या है, और ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, ये क्या है, ए बी की नेबरहुड का पॉइंट है, तो वहाँ पे आपका जो फंक्शन होगा एफ एक्स वाई, जो आपका एफ फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वहाँ पे क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है और साथ में एच पड़ा है, ठीक है। अब ये जब लिमिट जीरो को अप्रोच करेगी तो एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, ठीक है। तो ये आपने प्लस टू में एक एग्जांपल करी होगी या बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपने ये एग्जांपल डिस्कस करी होगी कि अगर आपके पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, लिमिट यहाँ पे हम लिख देते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो जी एक्स एच एक्स, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एच एक्स क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, क्लियर, और जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या करेगा, जीरो को अप्रोच कर रहा है जब एक्स आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी किसको अप्रोच करेगी, जीरो को अप्रोच करेगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड है, और साथ में जो फंक्शन पड़ा है वो क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है जब लिमिट आपकी एच के जीरो को अप्रोच कर रही है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी किसको अप्रोच कर जाएगी, जीरो को अप्रोच कर जाएगी, डन। ये भी जीरो को अप्रोच करेगी, ये भी जीरो को अप्रोच करेगी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या पड़ा था, लिमिट एच के अप्रोचेस टू जीरो जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। एफ ऑफ ए बी को हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे ले आए, तो मेरे पास बन गया लिमिट एच के अप्रोचेस टू जीरो जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी आ गया, डन। तो ये क्या आ गई, डेफिनेशन बन गई, यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे क्या बन गया, एफ क्या हो गया आपका, कंटिन्यूज हो गया एट ए बी पॉइंट के ऊपर, डन। सेम आप सेकेंड पार्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है।